Assalamu alaikum, dear students. Today I am here with the lecture number 5, class 9th physics, unit number 9, transfer of heat. Beta, previous lecture ke andar humne transfer of heat ka pehla method padha tha jo ki conduction tha. Theek hai? To is top 9.3 ke andar hum transfer of heat ke second method ko explain karenge, that is convection. ठीक है बेटा, सबसे पहले हमें ये देखना है कि कन्वेक्शन की डेफिनेशन क्या है. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हॉट प्लेस टू कोल्ड प्लेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन. क्या बात की जा रही है इसके अंदर कि ये ऐसा ट्रांसफर ऑफ हीट का मेथड है जिसमें एक्चुअली जो मॉलिक्यूल हैं वो हॉट प्लेस से मूव करते हैं कोल्ड प्लेस की तरफ और इस तरह ट्रांसफर ऑफ हीट होता है. ठीक है, तो बेटा इसकी मिसाल हमारे पास कहां मिलती है. ये जो कन्वेक्शन है ये मोस्टली फ्लूइड के अंदर पाई जाती है क्योंकि फ्लूइड के अंदर कंडक्शन जो है उसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती. इसी तरह गैसेस में भी कंडक्शन नहीं होती, तो गैसेस और फ्लूइड के अंदर जो ट्रांसफर ऑफ हीट होता है इट इज मेनली ड्यू टू कन्वेक्शन. ठीक है, तो बेटा यही एग्जाम्पल मैंने यहां मेंशन की है, हीट इज ट्रांसफर्ड इन फ्लूइड्स बाय कन्वेक्शन. और इसकी जो मिसाल है वो आपके सामने बॉइलिंग वाटर की है. अब देखें वाटर कैसे बॉयल होता है. आपने एक बर्तन लिया और उसमें वाटर को डाल दिया और उसको आपने हीट करना स्टार्ट किया, तो क्या होगा, सबसे पहले जो सर्फेस पर निचली सर्फेस पर जो वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल है, वो हीटअप होंगे. जब हीटअप होंगे तो वो जब भी मॉलिक्यूल हीटअप होते हैं तो वो वेट में लाइट होते हैं और लाइट वेट होते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, ऊपर की तरफ मूव करते हैं. ठीक है, तो हॉट वाटर को जब आप हीट कर रहे हैं तो उसके अंदर जो सरफेस पे नीचे सरफेस पे बॉटम पे जो वाटर मॉलिक्यूल है वो हीट अप होंगे और वो अपनी जगह से ऊपर मूव करेंगे और ऊपर से जो कोल्ड मॉलिक्यूल हैं उनके लिए जगह खाली होगी और वो नीचे मूव करेंगे. ठीक है, इसी तरह जो मॉलिक्यूल्स हीट अप होते जाएंगे वो किधर मूव करते जाएंगे, ऊपर मूव करते जाएंगे और विद द पैसेज ऑफ टाइम पूरे का पूरा पानी जो है वो हीट अप हो जाएगा. ठीक है, इसी तरह बेटा गैस में भी जो गैस को भी जब हीट करते हैं तो हीट करने पर गैस भी लाइटर वेट होती है. यानी लाइटर वेट कैसे होती है कि जब आप गैसेस को हीट करेंगे तो डेफिनेटली उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ऊपर की तरफ उठेंगे और उसकी जो डेंसिटीज हैं वो चेंज होंगी. ठीक है, अब जब डेंसिटीज चेंज होंगी तो वहां पर एक चीज, एक टर्म यहां पर आपके सामने लिखी गई है, कन्वेक्शनल करंट. ठीक है, जैसे ही एयर के अंदर डेंसिटीज चेंज होंगी तो ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर वहां पर क्या सेटअप होगा, देयर विल बी अ कन्वेक्शनल करंट इन द एयर ड्यू टू डिफरेंट ऑफ डेंसिटीज इन द एयर व्हेन यू हीट एयर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, जब आप गैस मॉलिक्यूल्स को हीट करेंगे तो उसमें क्या चीज एस्टेब्लिश होगी, कन्वेक्शनल करंट एस्टेब्लिश होगा. इज इट क्लियर बेटा, आपके इस क्वेश्चन का आंसर यही बनता है, What do you know about conventional current in air? ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताया है. Next, आपके पास इससे related, इसी convection से related एक और question है जो कि आप ये कह सकते हैं कि application of convection भी कहलाता है, that is land breeze and sea breeze. ठीक है, अब हम जो है next land breeze और sea breeze को explain करेंगे कि land breeze क्या होती है और कब होती है और sea breeze के लिए कौन सी conditions हैं. So students, उन दोनों questions के answer हमें इस page पर मिलेंगे आपके पास, ये जहां heading दी हुई है convectional current in air. ठीक है, इसको कैसे define करेंगे, gas expand on heating thus convection current are easily set up due to the difference in densities of air at various parts in the atmosphere. ये बिल्कुल वही बात है जो मैंने पहले आपको explain कर दिया. ठीक है, अब बेटा इसके uses कौन कौन से हैं वो यहां पर लिखे हुए हैं, conventional current set up by the electric, gas और coal heaters. ये तीन source हैं, electric source है, gas का source है या coal हीटर्स का सोर्स है. हेल्प्स टू वार्म अवर होम्स एंड ऑफिसेज, होम्स और ऑफिसेज को गर्म रखने के लिए. सेंट्रल हीटिंग सिस्टम इन बिल्डिंग्स वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल बाय कन्वेक्शन. ठीक है, यहां तक आप इसको कर लेंगे तो यहां तक भी एनफ है. इज इट क्लियर. अब बेटा नेक्स्ट जो है हमारे पास इसी यूज ऑफ कन्वेक्शनल करंट
के अंदर फर्दर जो दो बातें मैंने आपको बताई थी, डेट इज लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, इनके दरमियान डिफरेंस पूछा जाता है, या सिंपली ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज लैंड ब्रीज एंड व्हाट इज सी ब्रीज, या फिर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाई डज सी ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग डे एंड व्हाई डज लैंड ब्रीज ब्लोज इन अ नाइट। तो बेटा अभी मैं आपको जब लैंड और सी ब्रीज के बारे में एक्सप्लेन करूंगा तो ये सारे के सारे क्वेश्चन इसी में एक्सप्लेनेशन में ही क्लियर हो जाएंगे। सो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं लैंड ब्रीज को, लैंड ब्रीज कैसे होती है। अब देखें जब डे गर्म होता है, ठीक है, सुबह के वक्त जब सूरज निकलता है तो डे की हीट के साथ साथ अर्थ जो है वो भी वार्म होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसकी रीजन क्या है वो मैं आपको बता दूं, इसकी रीजन के लिए हमें कंसर्न करना पड़ेगा चैप्टर नंबर 8। बेटा वहां आपने पढ़ा था कि जो वाटर है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है और जो अर्थ है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो कम है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होने की वजह से अर्थ जो है वो एज कंपेयर टू वाटर जल्दी वार्म होती है, ठीक है। तो यही बात यहां की जा रही है कि जब हॉट डे होता है तो इससे के नतीजे में अर्थ जो है वो वार्म होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अर्थ वार्म होगी तो डेफिनेटली अर्थ के ऊपर जो एयर है मौजूद वो भी क्या होगी, वार्म अप होगी, ठीक है। अभी आपको आपने पीछे सुना है कि जब एयर हीट एयर को हीट मिलती है यानी हीट अप होती है तो वो लाइटर वेट होती है और लाइटर इन वेट होने की वजह से वो क्या करती है, ऊपर की तरफ उठती है। जब एयर ऊपर की तरफ उठेगी तो वहां नीचे जो है वो स्पेस क्रिएट होगी। अब उस स्पेस को सी की तरफ से आने वाली जो एयर है वो फिल अप करेगी। सो सी से लैंड की तरफ जो एयर चलेगी ऑन अ हॉट डे That is called sea breeze. So students, जो दोनों क्वेश्चन मैंने पीछे लिखे हैं उन दोनों क्वेश्चन का आंसर हमें बुक के इस पेज पर मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वेक्शनल करंट इन एयर, उसकी डेफिनेशन है दैट गैस ऑल्सो एक्सपेंड ऑन हीटिंग, दस कन्वेक्शनल करंट आर इजिली सेटअप ड्यू टू डिफरेंट इन डेंसिटीज ऑफ एयर एट अ वेरियस पार्ट इन द एटमोस्फेयर। ये वही बात लिखी हुई है जो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दी है। आपसे अगर पूछा जाए व्हाट डू यू नो अबाउट कन्वेक्शनल करंट इन एयर, तो उसका आंसर आपने यहां से लेके यहां तक करना है। इज इट क्लियर, ठीक है। बेटा नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग है यूज ऑफ कन्वेक्शन करंट, यानी ये कन्वेक्शन करंट को हम कैसे कैसे और कहां कहां यूज करते हैं, ठीक है। बेटा हमारे पास तकरीबन तीन सोर्स बेसिकली यूज होते हैं हीटिंग के लिए, इलेक्ट्रिक सोर्स है, गैस का सोर्स है और कोल का सोर्स है, ठीक है। ये तीनों सोर्स हमारे लिए किस तरह हेल्पफुल हैं वो आपके पास इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। कन्वेंशनल करंट सेटअप बाय द इलेक्ट्रिक गैस और कोल हीटर्स हेल्प्स टू वार्म अवर होम्स एंड ऑफिसेस। सेंट्रल हीटिंग सिस्टम इन बिल्डिंग्स वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल बाय कन्वेक्शन। यहां तक आप कन्वेंशनल करंट का यूज लिख सकते हैं, इट इज एनफ, ठीक है। इसके बाद बेटा जो सेकंड क्वेश्चन मैंने वहां पर लिखा था लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, वो हम पढ़ेंगे यहां से, ठीक है। मैं आपको बताता हूं कि लैंड और सी ब्रीज होती क्या है और फिर हम इससे रिलेटेड जो जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। बेटा सबसे पहले हम पढ़ेंगे सी ब्रीज को कि सी ब्रीज क्या होती है और कब होती है। इसके लिए आप देखें कि सी ब्रीज जो है ना वो डे टाइम पे होती है, ठीक है। जब दिन स्टार्ट होता है विद द बिगिनिंग ऑफ द डे, ऐसा ऐसा सूरज निकलता है तो अर्थ जो है वो हीट अप होना स्टार्ट हो जाती है। एक बात माइंड में रखें, हमने एयर चैप्टर में पढ़ा था कि अर्थ की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की निस्बत कम है, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होने की वजह से अर्थ जो है वो जल्दी वार्म होगी एज कंपेयर टू वाटर। सो जब डे टाइम पे सूरज निकलेगा और अर्थ जो है वो वार्म होना स्टार्ट होगी, ठीक है, तो डेफिनेटली अर्थ के ऊपर मौजूद जो एयर है वो भी क्या होगी, हीट अप होगी। और अभी हमने पढ़ा है कि जब एयर को हीट अप करते हैं तो वो लाइट हो जाती है वेट में और लाइट इन वेट होने की वजह से वो क्या करती है, ऊपर की तरफ उठती है। जब जमीन पर मौजूद एयर जो है वो ऊपर की तरफ उठेगी, नीचे स्पेस क्रिएट होगी तो सी की तरफ से उस स्पेस को फिल करने के लिए एयर मूव करेगी टुवर्ड्स लैंड। This is called sea breeze. क्या मतलब कि सी से लैंड की तरफ डे टाइम पे मूव करने वाली एयर जो है दैट इज कॉल्ड सी ब्रीज। इज इट क्लियर, ठीक है। अब देखते हैं बेटा लैंड ब्रीज को। अब
एट नाइट क्या होता है कि चूंकि जमीन की स्पेसिफिक हीट कम है और उसने कम हीट अब्सॉर्ब की, लिहाजा वो जल्दी कूल डाउन हो जाती है एज कंपेयर टू सी। सी की स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, यानी वाटर की स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, तो सी वाटर में हीट जो है वो ज्यादा मात्रा में स्टोर होगी। तो नाइट टाइम पे सी के ऊपर जो एयर है वो वार्म अप हो चुकी होगी, और वार्म अप होने की वजह से सेम एज बिफोर वो एयर क्या करेगी, ऊपर उठेगी। वो एयर जो सी की सी लेवल के ऊपर है, ठीक है, ऊपर उठने से उसी तरह से वहां स्पेस क्रिएट होगी, और अब लैंड की तरफ से कोल्ड एयर मूव करेगी टुवर्ड्स द सी। सो वो एयर जो लैंड से सी की तरफ मूव करती है एट नाइट, दैट इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास दो डेफिनेशंस कह लें, दो क्वेश्चंस कह लें, व्हाट इज सी ब्रीज एंड व्हाट इज लैंड ब्रीज, सिंपल क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे। लेकिन इसका एक और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जैसे ये ऊपर आपके पास लिखा हुआ है, व्हाई डज सी ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग द डे। ठीक है, कि सी ब्रीज जो है वो डे टाइम पे ही क्यों चलती है, तो उसकी रीजन बेटा यही है जो अभी आपके सामने मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, ठीक है, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, दूसरी तरफ लैंड ब्रीज का क्वेश्चन है, व्हाई डज लैंड ब्रीज ब्लोज इन द नाइट, के लैंड ब्रीज नाइट में क्यों ब्लो करती है, तो उसकी भी वही रीजन है जो अभी आपको बताई गई है। ठीक है, ये यहां से लेके एट नाइट से लेके इस कार्ड लैंड ब्रीज तक इस क्वेश्चन का आंसर है। इज इट क्लियर? ठीक है, यहां बेटा हमारा कन्वेक्शन का लेक्चर एंड होता है, और ये टॉपिक मुकम्मल आपने प्रिपेयर करना है फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कन्वेक्शन टू द एंड लैंड एंड सी ब्रीज। ठीक है, इसके दरमियान जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं इनको बेटा आपने याद भी करना है, और एज वेल एज आप इस इन तमाम क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक्स पर भी लिखेंगे। इज इट क्लियर? ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।